दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान और आप देख रहे हैं ओल्ड टाइप नॉलेज चैनल। आज जो मैं वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहा हूं वैक्सीनेटर और सहायक भाइयों को, उसमें मुख्यमंत्री जी योगी जी News24 में एक इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसको लेने वाले हैं मानक गुप्ता। मानक गुप्ता को वो बता रहे हैं कि किस तरह से हमने खुरपका मुंह पका का हम काम करा रहे हैं, अपनी उपलब्धियां मतलब उनको गिनवा रहे हैं कि हमने कितना पशुपालकों के लिए, पशुओं के लिए क्या किया, हम वैक्सीन लगवा रहे हैं FMD का, जो खुरपका मुंह पका का होता है, ये सारी चीजें। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो क्लिप दिखा दूं जिसमें योगी जी की और मानक गुप्ता की News24 पर बहस चल रही है, उसके बाद मैं आप लोगों को काम की बातें बताता हूँ, ठीक है? तो चलिए पहले वो क्लिप देख लेते हैं। का उपयोग हम कर सके इसके लिए PM कुसुम योजना पूरे देश के अंदर लागू होती है, यानी ये सभी कार्यक्रम होने के साथ ही लागत का 1.5 गुना दाम, याद रखना। स्वामीनाथन कमेटी ने 2006 में एक कमेटी अपनी रिपोर्ट दे दी थी, एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया, और यही नहीं, किसानों की सभी आवश्यकताओं की, रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी देश के अंदर 9 करोड़ किसान मोदी जी ने देश के अंदर दिया। यानी कोई ऐसा अवसर नहीं, ये तो केवल खेती किसानी का है, बागवानी के क्षेत्र में अभी कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्यक्रम लागू हुए, पशुपालन के सेक्टर में जिस प्रकार की योजना लागू हुई, पहली बार खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों से मुक्ति के लिए एक बृहद टीकाकरण का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। अब उनको हम लोगों को ये बताना है कि साहब, ये जो आप काम करा रहे हैं तो इसके बदले में जिन लोगों से आप ये काम ले रहे हैं उनको पैसा भी देना पड़ता है, ये शायद इन लोगों को मालूम नहीं, ठीक है? तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से बस हम ये अपील करना चाहेंगे कि ये आप जो News24 पे इंटरव्यू दे रहे हैं, ये हाल ही का अभी पीछे का इंटरव्यू, कोई पुरानी बात नहीं हुई, ठीक है? तो इनसे हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि जो काम आप मीडिया में बैठकर बड़े गर्व के साथ सीना चौड़ा करके जो गिनवाते हैं कि हमने इतने वैक्सीनेटर रखा और हमने इतना FMD का काम करा रहे हैं, उसके लिए इन लोगों को पैसा भी देना पड़ता है, ये बात आपको मालूम नहीं है शायद, ठीक है? तो अब हम NDTV और News24, ये दो चैनल ऐसे हैं जो हम लोगों की आवाज उठा सकते हैं, ठीक है? ट्विटर पे जाओ दोस्तों, इसे हल्के में नहीं लेना, ठीक है? हल्के में मत लेना इसको, ट्विटर पे जाओ और जाने के बाद में इन लोगों से जो है लगातार अनुरोध करो कि उत्तर प्रदेश की सरकार से ये सवाल पूछो कि वैक्सीनेटर और सहायक जो आपने रखे हैं खुरपका मुंहपका का टीका लगाने के लिए, उनको सैलरी भी देना पड़ती है या नहीं देना पड़ती है, बस इतनी बात बता दो। यहां से योगी जी बैठ करके सीना चौड़ा कर करके बोल रहे हैं कि भाई लोगों, हमने जो है FMD का काम किया पशुपालकों के लिए, जो है पशुओं के लिए हमने खुरपका मुंहपका का जो है टीका लगवाया। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये गवर्नमेंट यार क्या है ये बताओ, हम लोग बेवकूफ हैं? हमें समझ नहीं आता क्या? उत्तर प्रदेश में अगर हम रहते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, दुनिया को नहीं देख रहा हम, तो ये सरकार क्या हम लोगों को इतना बड़ा बेवकूफ मानती है कि हम लोगों को कुछ नहीं आता जाता यार? ये बताओ, लगातार 1 साल हो गया काम कराते हुए और टीका का रेट इतना कम, यहाँ के टीका से बिहार के लोगों को 2 गुना रेट है पहले से ही, FMD का बिहार में 2 गुना रेट है अपने यहाँ से। आप लोगों को मैं बता दूं, पहले से 6 रुपए पर टीका के हिसाब से पैसा आता बिहार में, और उत्तर प्रदेश में 3 रुपए के हिसाब से आता। तो ये नहीं चल पाएगा। अब गवर्नमेंट से सीधी सीधी बात ये है, सीधा सीधा जो है हमारी मांग है, या तो हमें जो है सम्मानजनक मानदेय हमारा फिक्स करो, और ऐसा नहीं कि पर टीका के हिसाब से, कुछ नहीं, सैलरी फिक्स होना चाहिए महीना टू महीना, तभी हम काम करेंगे, वरना हमने काम का बहिष्कार कर दिया, ऐलान कर दिया, ठीक है? मैंने मना कर दिया, डॉक्टर से भी सबसे मन का भाई साहब, जब तक सैलरी फिक्स नहीं हो जाती ना खुद काम करूं ना करने दूं किसी को, ठीक है? कोई बलपूर्वक नहीं बोली ये बात मैंने, क्योंकि मैं उसको सच्चाई से अवगत करा दूंगा। जो भी नया व्यक्ति अगर कोई रिक्रूट करना चाहेगी ये सरकार, तो मैं उसको सच्चाई से अवगत करा दूंगा कि इसको करने में कोई फायदा नहीं है, किस तरह से टीका के हिसाब से कितना कम मानदेय मिलता है, कितना कम पैसा मिलता है, और उसमें मिलने में भी बहुत देरी होती है, 1-1 साल हो जाता है, ठीक है? तो यही काम आप लोगों को करना है, सब लोगों को, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करने के लिए मैं आया था कि सब भाई लोगों को जो है मैं बता दूं, पूरी जो है सच्चाई से अवगत करा दूं, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। तो बिल्कुल काम नहीं करना है, ठीक है? और यार एक दूसरे का साथ मत छोड़ो।
एक दूसरे ऐसा मत करो। देखो बिहार में अभी क्या हुआ, कुछ लोगों ने पीपीआर लगा दिया। पीपीआर कौन सा होता, भेड़ बकरियों में जो टीका लगता है, ठीक है, पीपीआर लगा दिया तो पीपीआर का पैसा उनका आ गया। अरे हाँ, एक पॉइंट और आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं, बिहार में जो है टीका का पैसा इन अ मंथ आ जाता है, मतलब जिस महीने में आप टीका लगाएंगे उस महीने के अंदर ही आपका जो है पैसा मिल जाता है। उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है वहीं साहब, तो इस हिसाब से तो बिहार के लोग बहुत आगे हैं यार, यूपी से काफ़ी आगे हैं, बहुत आगे हैं। तो बस यही दरख्वास्त करने आप लोगों से आया था, यही अनुरोध करने आया था कि भाई लोगों एक दूसरे का साथ मत छोड़ो, बहिष्कार करेंगे तो साथ मिलकर करेंगे सब लोग, और काम करेंगे तो साथ मिलकर करेंगे। फिलहाल सरकार से लगातार यही मांग करते रहना है। और जो है बिहार के लोगों ने कोर्ट में केस कर दिया है, ये मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था, तो अब रणनीति उन्हीं को फॉलो करके तय की जाए तो बेहतर रहेगा। बाकी जो आप लोगों के जो विचार विमर्श होंगे, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या करना चाहिए, उस हिसाब से काम करेंगे। लेकिन बिहार के लोगों की तरह उधर तो हाई कोर्ट में केस कर दो और उसके बाद सरकार का भी घेराव करो, मतलब सरकार को ज्ञापन भी सौंप दो, लगातार ज्ञापन सौंपो मंत्री जी को, ठीक है, अपनी परेशानी के बारे में बताओ उनको, अपनी क्या क्या हमारी जो मांगे वो। तो उधर तो कोर्ट से नोटिस जाएगा, इधर सरकार को हम अपनी बात बताएंगे तो काफ़ी काफ़ी कुछ भला हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है, लगातार मेहनत करेंगे और बाकी तो देखा ही जाएगा, अगर कुछ लास्ट में नहीं हुआ तो फिर, और साथ साथ में साइड में अपना काम भी लेकर के चलो भाई लोगों, जिसको जो भी करना है, जो भी काम करना चाहता है वो काम करो, ठीक, क्योंकि बिना काम के जो है कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतने कम पैसे में जीवन यापन तो नहीं चल सकता। और ये सरकार को भी पता है कि पैसा वेस्ट करना है, बिल्कुल पैसा जो है कूड़े में फेंकना, ना सरकार सैलरी फिक्स कर पाएगी, ना वैक्सीनेटर और सहायक काम कर पाएंगे, सिर्फ कागजी कार्रवाई ही चलती रहेगी, ठीक है, उधर से आएगा इधर कागजी कार्रवाई हो जाएगी कि हाँ लग गया, और लगेगा कुछ नहीं, ठीक है। मैं जानता हूँ आप लोगों में से ज़्यादातर बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है कि हर एक बंदा नहीं लगा रहा, ठीक है। ज़्यादातर लोग कागज़ पे काम पूरा कर रहे हैं, किस वजह से, अपना पेट पालने के लिए, दो वक्त का खाना अपने परिवार को पालने के लिए, पैसा कमाना तो उन्हें जाना पड़ेगा ना बाहर, जब सरकार पैसा देने रही है, काम करा रही है, तो अपने परिवार को पालने के लिए क्या करेंगे, वो बाहर जाएंगे। अब एक महीना या दो महीने में ये काम आता है, उस टाइम कोई फैक्ट्री वर्कर है, कोई बैंक में जॉब करे या कहीं भी, तो अब क्या वो फैक्ट्री वाला या वो बैंक वाला उसको छुट्टी दे देगा, एक महीने के लिए छुट्टी देगा उसको, कि आप भाई FMD का आपका टीका आ गया या HS का या ब्रूस लीज का टीका लगा लो, आपको छुट्टी मिलती नहीं ना। तो इस तरह से काम नहीं चलते हैं, मैं सरकार से फिर से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस तरह से काम नहीं चलते हैं। सम्मानजनक मानदेय फिक्स करो वैक्सीनेटर और सहायक का, और उनसे सही तरीके से काम लो। हर साल 25,000 करोड़ का घाटा होता है भारत सरकार को, खाली पशु डेयरी इंडस्ट्री से, ये दूध से, दूध उत्पादन से 25,000 करोड़ का घाटा होता है। अगर गवर्नमेंट चाहे सही तरीके से सम्मानजनक मानदेय दे और सही तरीके से जो है वैक्सीनेशन हो जानवरों का, तो सालाना 25,000 करोड़ कमा सकती है गवर्नमेंट, मगर ध्यान किसे है, किसी को ध्यान नहीं। तो बस आप लोगों से यही कहने आया था, मैं यही बोलने आया था कि बहिष्कार करेंगे जब तक सैलरी फिक्स नहीं हो जाती, ठीक है। मैं करूँगा, मैं आप लोगों पर कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग भी करो, लेकिन मैं करूँगा जब तक, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो मेरा भाई चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, ताकि जब भी नई वीडियो डालूंगा तो तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। फिर मिलूंगा, जय हिंद जय भारत।